एक बंद कमरा काफी लंबी दास्तान सुना सकता है। एक बंद कमरे को देख के 500 सवाल दिमाग में उठ जाते हैं। सबसे पहले ये कि अंदर कौन है? तो कोई कहेगा, भैया दरवाजे पे खटखट करके पूछ क्यों नहीं लेते कि अंदर कौन है? ठीक है, आप दरवाजा खटखटाते हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता। आप थोड़ा शक गहरा हो जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। फिर आपने दरवाजा जरा जोर से खटखटाया, मगर दरवाजा फिर भी नहीं खुला। अब आप सोच रहे थे कि क्या करें, तो गलती से आपने नीचे देख लिया, और जैसे ही नीचे देखा आपके मुंह से चीख निकल गई। आपने देखा कि आपके पैरों पे खून लगा है, या यूं कह लीजिए खून के एक बड़े से तालाब के बीच में आप खड़े हैं। आप डर के मारे पीछे हटते हैं, और पीछे हटके आपने जो देखा तो गिग्गी बन गई आपकी। आपके मुंह से तरह तरह की आवाजें निकलने लगी। आपने देखा कि वो खून दरवाजे के अंदर से आ रहा है। मतलब अंदर किसी का खून? आप किसी को बुलाने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तो देख के आप बेहोश होते होते बच जाते हैं, क्योंकि वो खून दूर तक गया है। या यूं कह लीजिए कि कोई किसी को घसीटता हुआ यहां तक लाया और फिर अंदर ले गया। फिर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, सब मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं, और अंदर आपने जो देखा वो आप सह नहीं सकते। आपकी आंखें फट जाती हैं, मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती है, और आप बेहोश हो जाते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि आप क्यों बेहोश हुए। हेलो होटल सनशाइन, मे आई हेल्प यू? यस सर, श्योरली सर, यू वेलकम। कौन? प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो। सर आप खुद ही देख लो, बाहर गेट से लेके यहां तक है। कौन? कौन है अंदर? दरवाजा खोलिए। रूम नंबर 112 में कौन ठहरा हुआ है? कोई राजवीर नाम का आदमी है सर। राजवीर? राजवीर जी दरवाजा खोलिए। राजवीर जी दरवाजा खोलिए। तुम्हारे पास इसका डुप्लीकेट कार्ड है? है सर। जरा दीजिए फटाफट। ये लीजिए सर। इतना सारा खून? जिस किसी ने भी इसे मारा है उसे लग रहा है वो मर गया। मारने वाला जैसे ही कमरे से बाहर गया, राजवीर खड़ा हो गया और किसी तरह से अपने आप को घसीटते हुए कमरे से बाहर आ गया। हाँ सर। पर वो आदमी से मार रहा था तो उसने हल्ला क्यों नहीं मचाया? होटल के किसी स्टाफ को बुलाना तो चाहिए था। सर, हाँ? कि एक पंप मिला है। पंप? या तो मारने वाले का हो सकता है या फिर राजवीर का। मगर सर ये बॉडी गई कहाँ?
राजवीर ने हल्ला नहीं मचाया, इसका मतलब है वो मर चुका था और फिर उसकी लाश को यहाँ होटल से बाहर घसीटते हुए ले जाया गया। राजवीर और उस दूसरे आदमी के बीच में हाथापाई हुई होगी, राजवीर मारा गया, उसके बाद उसकी लाश को यहाँ से बाहर घसीटते हुए ले जाया गया। यहाँ होटल में खून हुआ, एक लाश को यहाँ से बाहर घसीटते हुए ले जाया गया, तुम में से किसी ने कुछ नहीं देखा? हाँ, ये होटल है या क्या है? राजवीर, राजवीर कहाँ है? आप लोग? मैं उनकी वाइफ हूँ। मैं राजवीर का छोटा भाई रणधीर। राजवीर कहाँ है? ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजवीर कहाँ है। मतलब राजवीर ठीक तो है ना? अभी कुछ बता नहीं सकते, पर ये राजवीर यहाँ आया क्यों था? घर से निकलते समय उन्होंने कहा कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है और अगर रात को लेट हो जाए तो वो यही होटल पे रुक जाएंगे। ये देखिए पास, वहाँ कोने में पड़ा हुआ मेरा फायर एंड वाटर पंप। ये पास या तो राजवीर का हो सकता है या फिर उस मारने वाले का। रेडी लावण्या, इस पब में जाके पता करो कि ये पास किसका है। यस सर। हेलो, लाश खून से भरी हुई, कहां पे? हॉस्पिटल के बाहर। ठीक है, हम लोग आते हैं। ओके। हॉस्पिटल के बाहर एक लाश, कहीं वो राजवीर तो नहीं? क्या? नहीं। चेहरा तो बुरी तरह से कुचला गया है। ये लाश आपको मिली कहाँ पे? ये हॉस्पिटल के बाहर पड़ा था। कपड़े वपड़े देखे इसके? जी नहीं, मैं तो बस आपका वेट कर रहा था। अंगूठी चेन सब वैसे के वैसे हैं, किसी ने चुराया भी नहीं। मतलब ये खून लूटने उठने के लिए नहीं किया गया है। राजवीर, राजवीर, हाँ ये देखो। अरे हाँ, मगर ये होटल से यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचा कैसे? ये आपके साथ में? हाँ। ज्यादा पी लिए? नहीं, पीना छोड़ रखा है। तो फिर कौन से खुशी है आज? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ओ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ये देखिए, ये आप ही के पब का है ना? किसका है ये? मतलब किसको दिया था आपने? कितने लोगों को पास देते हैं हर रोज, क्या मालूम किसका है? देखिए, जरा याद करके जल्दी बताइए। मर्डर का मामला है। मर्डर? हाँ, अगर झूठ बोला तो फंस जाओगे। एक मिनट। कुछ पता चला कि नहीं? मैं अब और डांस नहीं कर सकता। सर, मैंने कब कहा था आपको डांस करने के लिए? सीआईडी को सब कुछ करना पड़ता है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग सीआईडी वाले। धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख लोगे। हस्ती क्या है, डांस करना इतना आसान नहीं है, स्टैमिना चाहिए, स्टैमिना। ये वाला पास राजवीर और रिया के नाम पे दिया गया था। ये शर्ट तो राजवीर की ही है। राजवीर! भाभी, भाभी, भाभी संभालिए अपने आप को। भाभी, भाभी प्लीज, भाभी प्लीज संभालिए। शांत हो जाइए मैडम, प्लीज अपने आप को संभालिए प्लीज। राजवीर का कोई दुश्मन?
तुम्हारे दिमाग में किसी का नाम आता है? नहीं, राजवीर का कोई दुश्मन नहीं था। कोई तो था, तभी तो मर्डर हुआ है। हाँ, उनका एक पार्टनर है, वो उन्हें तंग किया करता था। कौन? त्रिलोक। त्रिलोक? पर वो तो उसका पार्टनर था, तो तंग क्यों करता था? लेकिन उसे कोई और पार्टनर मिल गया है। वो चाहता है कि भाई उसे अपना सारा हिस्सा दे दे और कंपनी से निकल जाए। तो राजवीर मान गया था? नहीं, वो क्यों मानेंगे? उनका अपना बिजनेस था, वो क्यों बाहर जाएंगे? ये तिलो कहाँ है अभी, कुछ पता है? वो तो आपको ऑफिस में ही मिलेगा। कुछ दिन पहले बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था उसका राजवीर के साथ। ये झगड़ा किस वजह से हुआ था इन दोनों के बीच में? Myself, Mr. त्रिलोक। Mr. त्रिलोक, आपसे मिलके ज्यादा खुशी नहीं हुई? यहाँ पे काफी सारे ट्रॉफीज रखे हुए हैं। कॉलेज के दिनों में मैं रेसलिंग चैंपियन था। वैसे एक मर्डर हो गया है। मर्डर? मजाक कर रहे हैं आप? आपको मालूम है पहलवान लोग हंसते बहुत हैं। ये हंसने की बात नहीं है मिस्टर त्रिलोक, राजवीर का खून हो गया है। राजवीर? मतलब अपना राजवीर, मेरा पार्टनर? हाँ, उसी राजवीर की बात कर रहे हैं। राजवीर का खून हो गया है? जी हाँ। पर उसका खून किया किसने? ये आप बताओ ना। मैं कैसे बताऊंगी राजवीर का खून किसने किया? आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि खून आपने किया है। पर मैं उसका खून क्यों करूंगा? ये गलत बात है, ये आप ठीक नहीं कर रहे। तो फिर किस आदमी से खून करवाया उसका? पर मैं उसका खून क्यों करवाऊंगा? क्योंकि उसने अपना सारा बिजनेस आपको देने से मना कर दिया। अरे, मुझे उसके बिजनेस से क्या करना है? ये तुम पूरी कंपनी के मालिक बन जाओगे तो चांदी चांदी है, है? जिस कंपनी में नुकसान ही नुकसान हो, उस कंपनी का मैं क्या आचार डालूंगा? आप ले लो ये कंपनी, या आप खुद देख लो, इस कंपनी को कोई बेवकूफ नहीं खरीदेगा। मैं तो खुद चाह रहा था कि किसी तरह से अपना शेयर बेचकर इस कंपनी से चला जाऊं। तो मैंने खुद राजवीर से कहा कि मुझे अपना हिस्सा दे देना, चला जाऊं। अच्छा, अगर ये सब चक्कर है तो फिर उस अमृता ने इसका नाम क्यों लिया? आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सुनिए, कुछ प्रॉब्लम है? बिना प्रॉब्लम के तो हम लोग आते ही नहीं है। मतलब कुछ हुआ है? क्या? एक खून। खून? हाँ। पर खून से मेरा क्या लेना देना? तुम्हारा नाम रिया ही है ना? हाँ। इसे पहचानती हो? ये आपको कहाँ मिला? वहां पे जहां पे खून हुआ था। मैडम, आप ये सोच रही होंगे कि इतने जल्दी हम लोग यहाँ पे कैसे आ गए, है ना? ये सीआईडी है, सीआईडी। और कुछ बोलना है आपको? पर ये मेरा नहीं है। पर क्या? 16 अक्टूबर रात को तुम डिस्को में गई थी ना? 16 अक्टूबर? देख, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझी? मैनेजर ने नंबर देखते ही हमें बता दिया था कि ये पास तुम्हारा ही है। चलिए मैडम, ब्यूरो चलिए, चलिए। पर खून किसका हुआ है? राजवीर का। अब ये मत कहना कि आप राजवीर को जानती नहीं है। राजवीर का खून? देखा कैसे ड्रामा कर रही है।
राजवीर जिंदा है। क्या? जिंदा है? अरे कैसे जिंदा हो सकता है वो? कैसे जिंदा है मतलब? अरे राजवीर अंदर है, मेरे घर के अंदर, और भी मेरे साथ। कहाँ है दिखाओ। Hi, I'm Rajveer. Rajveer? तुम होटल सनशाइन से यहाँ कब आ गए? होटल सनशाइन? हाँ, वहाँ पे तुम एक बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे ना? नहीं नहीं, मैं तो वहाँ गया ही नहीं था। तुम वहाँ गए ही नहीं थे? जी नहीं। मगर तुम्हारी वाइफ ने कहा कि तुम तो वहाँ। अब सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बारे में मेरी पत्नी से कुछ भी मत कहिएगा। बोलना तो पड़ेगा, दोनों के बुरा हाल है बेचारे का। अब सर प्लीज देखिए, मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा था कि मैं काम के सिलसिले में होटल सनशाइन जा रहा हूँ और देर हो जाने की वजह से वहीं पर ही रुक जाऊंगा। मैं दरअसल रिया के पास आना चाहता था। मगर वहाँ होटल में तुम्हारे नाम से कमरा बुक है। जी कमरा? किसी ने इनके नाम से कमरा बुक कर दिया होगा। अगर तुम वहां पे नहीं गए तो वहां पे खून किसका हुआ है? खून? हाँ खून, वहां पे एक खून हुआ है और हमें एक लाश भी मिली है। लाश मिली? लेकिन सर मेरा लाश से क्या लेना देना? कमरा तुम्हारे नाम पे बुक है और लाश के ऊपर से जो कपड़े मिले हैं वो भी तुम्हारे हैं। मेरे कपड़े लाश के ऊपर? हाँ तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी चेन, तुम्हारी अंगूठी, तुम्हारा विजिटिंग कार्ड, सब तुम्हारे। और तुम कहते हो कि मेरा क्या लेना देना है? सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाश के ऊपर मेरे कपड़े, मेरी चेन, मेरी अंगूठी, मेरा विजिटिंग कार्ड। मुझे लगता है कि कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए सर कपड़ों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरी चेन, मेरी अंगूठी का सवाल है, ये सब चीजें मेरे घर के सेफ के लॉकर में रहती हैं। सेफ? तो फिर ये सब वहाँ लाश पे से कैसे मिले? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं है बोलने से काम नहीं चलेगा मिस्टर। कमरा राजवीर का है मगर राजवीर ने बुक नहीं किया है। राजवीर होटल में था मगर राजवीर होटल गया ही नहीं। खून राजवीर का हुआ है मगर राजवीर जिंदा है। लाश राजवीर की मिली है मगर राजवीर की नहीं है। लाश के ऊपर राजवीर के कपड़े, चेन, अंगूठी मिली है मगर राजवीर को नहीं मालूम। अमृता, अमृत यहां तो नहीं? अमृता, अमृता, अमृता सर मेरी वाइफ अमृता। राजवीर नहीं। अरे सर मेरी वाइफ है वो। हाथ मत लगाना बस। अरे जमीन पर गिरी पड़ी, देखो तो उसी डॉक्टर को बुलाओ। हम लोग देख रहे हैं। शी इज डेड। नहीं ऐसा नहीं हो सकता अमृता। नहीं राजवीर। अरे सर मेरी पत्नी है वो। प्लीज ये देखिए गले पे निशान है। किसी ने गला घोट के मारा। ये क्या राजवीर? और होटल में तुम्हारे नाम से कमरा बुक है, वहां पे एक लाश, और यहां तुम्हारे घर में ये? हाँ मुझसे क्या पूछ रहे हैं सर? मेरी पत्नी की लाश मेरे सामने पड़ी है और वहां होटल में किसी और आदमी की लाश मेरे नाम से। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है सर। एक मिनट सर, तो ये कुछ लव लेटर्स मिले। राजवीर ये लेटर्स पहचानते हो? ये हैंडराइटिंग तो त्रिलोक की है। त्रिलोक? अरे आप लोग, क्या राजवीर की खूनी का पता लगा? हाँ। कौन है? त्रिलोक। मैं? हाँ। आप तो वाकई में डर गए।
राजवीर जिंदा है। क्या राजवीर जिंदा है? जी। आप लोग भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। क्या करें, आदत ही पड़ गई है। बहुत सारे शौक लग रहे हैं इस केस में, देख लीजिए। पहचाना? तुम्हारे लिखी हुई प्रेम पत्र अमृता ने बहुत संभाल के रखे थे। हाँ, ये तो मैंने ऐसे ही लिखे थे मजाक में। लव अफेयर चल रहा था? नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? क्या राजवीर को पता चल गया? जी हाँ, और उसी ने आपकी हैंडराइटिंग पहचानी है। अमृता? वो मर गई है। क्या क्या हुआ उसे? उसका खून कर दिया किसी ने। राजवीर कह रहा तुमने किया है। मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं उससे प्यार करता था। वो थोड़े दिनों में राजवीर को छोड़ने वाली थी। राजवीर नहीं मारा होगा उसे, उसी ने मारा है उसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सब लोग मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। एक तो उसका मेरी बीवी के साथ में अफेयर चल रहा था, ऊपर से मेरा नाम लगा रहा है। बंधु, तुम्हारा नाम नहीं लेगा तो फिर किसका नाम लेगा है? अमृता वाइफ किसकी थी? वाइफ किसकी थी? मेरी। हाँ, तो जब किसी हस्बैंड को पता चलेगा कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है? अगर मुझे ऐसा कुछ पता चल जाता तो मैं तो उल्टे बहुत खुश हो जाता। हाँ? जी हाँ, मैं तो वैसे भी कोई बहाना ढूंढ रहा था जिससे उसे डिवोर्स दे सकूं और रिया से शादी कर सकूं। फिर भी तुम्हारी वाइफ को कोई और नहीं मारना चाहेगा। जब उसे पता चला तुम्हारा अफेयर चल रहा है, हल्ला मचाया होगा उसने। हा? आप फिर भूल रहे हैं, जिस वक्त उसका मर्डर हुआ था उस वक्त मैं आप लोगों के साथ मौजूद था। दूसरी बात, तुमने कहा कि तुम होटल सनशाइन में गए नहीं थे है? हाँ? नहीं, मैं वहां नहीं गया था। अच्छा, तो फिर ये फास होटल के कमरे में कैसे पहुंचा? क्या हुआ, मुंह बंद? ये पब की एंट्री का पास होटल में कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता ये वहां कैसे पहुंच गया। एक मिनट राजवीर, एक मिनट। शायद कोई जादू करने वाली है क्या? हाँ, जादू। अरे ठीक, ऐसा ही पास? जी हाँ, ऐसा ही पास। हम इस पास के साथ ही पब के अंदर गए थे। अरे रिया, मैं तो भूल ही गया, मेरा पास तुम्हारे पास था। डेट भी वही है। तो फिर पब के मैनेजर ने क्यों कहा कि ये पास राजवीर का है? सर, हमें नहीं पता कि उसने झूठ क्यों बोला, पर सच्चाई आपके सामने है। देखिए, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया कि मैं बेकसूर हूँ। नहीं, अभी भी तुम बचे नहीं हो। विवेक, जरा उस लड़की को अंदर ले आओ। अब ये कौन है? ये एक ट्रम्प कार्ड है। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तुमने सोचा कि तुम बोल दोगे कि तुम रिया के घर में छुप के बैठे थे तो तुम बच जाओगे हैं? सर, ये जी, ये पहचानते हैं ना इसे? जी नहीं। क्या ये वही राजवीर है जो होटल सनशाइन में आया था?
ये वो नहीं है। थैंक गॉड, मैंने आप लोगों से कहा ना मैं बेकसूर हूं, आप लोग खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। ये सारा चक्कर इन दो पास का है सर। उस पब का मैनेजर ही बता सकेगा कि इनमें से कौन सा असली है कौन सा नकली। अरे आप लोग फिर से यहाँ? रिया मिली, मैंने कहा था ना अगर झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे। मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला था। ये पास भी यहीं का है ना? हाँ ये तो यहीं का है। देखिए मिस्टर, तुमने जो पहले कहा था ना कि वो वाला पास रिया का था, वो पास रिया का नहीं था, ये वाला पास रिया का है। हाँ है तो ये असली। एक मिनट, ये पास तो हैरी नाम के आदमी का है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, ये हैरी कौन है? क्या मालूम सर, रजिस्टर में हैरी लिखा हुआ है बस। देखो ये हैरी अगर नहीं मिला ना तो मैं तेरा पैरी बना दूंगा। सर, वो जो पहली वाली लाश थी, हाँ? मैंने उसकी उंगलियों के निशान मैच करके देखे सर। तो क्या पास या फेल? पास सर। गुड, विवेक के भी पत्ते चलने लगे। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? सर मैंने कुछ नहीं किया, मूर्ति के जो निशान थे उंगलियों के वही डाले कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर ने अपने आप बता दिया कि ये एक हैरी नाम के आदमी के हैं। सर विवेक, मैं अभी अभी पब में से आ रहा हूँ, वहां पे जो आदमी आया था उसका नाम भी हैरी है। मतलब मरने से पहले वो पब में गया था? हाँ, मरने से पहले वो पब में गया था, मगर होटल में वो राजवीर के नाम से ठहरा था। अभिजीत, ये आदमी एक माना हुआ शूटर है, 4 साल पहले ऐसे एक केस में पकड़ा गया था, कोर्ट से भागा, अभी तक मिला नहीं है, पैसे लेके खून करता है। मगर दया, इस माने हुए शूटर को ये राजवीर के पैंट और शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं। तो फिर ये हाथ ऐसे पीछे क्यों रखा हुआ? सावधान, विश्राम। सर ये चाकू रखा हुआ था सर ड्रॉअर में। अरे ये फोटो यहाँ पे सर। अब समझ में आया, किसी ने हैरी को पैसे दिए थे कि जाके राजवीर का खून कर दे, इसलिए हैरी वहाँ होटल में आया था। पर सर पैसे किसने दिए होंगे? आखिर राजवीर का खून कौन करवाना चाहता था? यही पता लगाना है। इस फोटो के ऊपर से उंगलियों के निशान ढूंढने की कोशिश करो। जिस किसी ने भी फोटो दिया है शायद उसके उंगलियों के निशान इस फोटो पे आ गए हो। मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मेरा और अमृता का फेर था। तू आस्तीन का साफ है, केस खत्म हो जाने दे, फिर मिलना मुझे। अगर मैं आस्तीन का साफ हूं तो ये कौन है जो तुम्हारे बाजू में खड़ी है? तुम मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो? मेरे अफेयर से इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे इससे पूछ ये खुद क्या कर रहा था, मुझे तो बिना किसी बात के फंसाया गया है, और मेरी उंगलियों के निशान क्यों ले जा रहे हैं? राजवीर की ये फोटो हैरी नाम के किसी आदमी के घर में से मिली है। हैरी एक खूनी है। अब ये फोटो हैरी को किसने दी ये पता लगाना है। सर अलोनी, त्रिलोक के फिंगरप्रिंट्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
वो आदमी मिल गया है जिसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं फोटो पे। कौन है वो? रणधीर। क्या? मैं? इसी की उंगलियों के निशान मिले हैं फोटो पे। ये क्या कह रहे हैं आप? रणधीर, तुम मेरे भाई होकर तुमने मेरे नाम की सुपारी दी? हाँ? नहीं भैया, ये सब झूठ है। उंगली के निशान है, झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए, ये फोटो तो सालों से घर पे पड़ी हुई है, न जाने कितनी बार उसके ऊपर हाथ लगा होगा। सिर्फ आप ही के उंगलियों के निशान मिले हैं फोटो पे, और किसी के नहीं। किसी और आदमी ने उसे छुआ भी नहीं है। नहीं, दूसरों के भी होंगे, लेकिन खूनी ने उसे मिटा दिए होंगे। पहले ये बताओ, जिस दिन अमृता का खून हुआ तब तुम कहाँ थे? मैं दिल्ली गया हुआ था कुछ खास काम के लिए। काम क्या था? काम कुछ खास था, मतलब पर्सनल था, लेकिन मैं सबूत दे सकता हूं। एक मिनट। भैया, ये सब झूठ है, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं, कोई मुझे फंसा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश है भैया, इनका यकीन मत कीजिए भैया। मैं जानता हूं तुम मेरे भाई, झूठ नहीं बोलोगे। मुझे मालूम है। एक पंप मिला है। पंप? मैनेजर साहब, आपको अच्छी तरह से याद है कि राजवीर यहां ठहरा नहीं था? मैंने तो उसे देखा भी नहीं था, वैसे यही लोग होते हैं यहाँ पर। तुमने राजवीर को यहाँ नहीं देखा था? हा? नहीं सर, वो तो यहाँ पे आया भी नहीं। मैंने झूठ कहा था। पर क्यों? मुझे राजवीर ने पैसे दिए थे। राजवीर ने? हाँ, राजवीर ने ही हैरी का खून किया है, और मुझे कहा था किसी से ना कहने को। इसका मतलब है राजवीर ने हैरी को मारकर उसकी लाश को हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के बाहर फेंक दी। मगर राजवीर ने हैरी को मारा क्यों? क्यों मारा तुमने हैरी को? मैं तो उसे जानता भी नहीं था, वही मेरी जान लेने आया था। मैं तो सिर्फ अपनी जान बचा रहा था, पता नहीं कैसे उसे चाकू लग गया। तो फिर भागा क्यों वहां से? हैं? मैं घबरा गया था सर, इसलिए वहां से भाग गया। तुमने वो कपड़े पहनाए हैरी को? हाँ। पर तुमने ये सब किया क्यों? हैं? सर, मैं ये जानना चाहता था कि आखिर उसे भेजा किसने, कौन है जो मेरी जान लेना चाहता है। राजवीर मेरे घर में तब तक छुप कर रहना चाहते थे जब तक कि उन्हें ये सब मालूम नहीं पड़ जाता। और वो पब का दूसरा पास, वो कहां से आया? जिस रात हम लोग पब गए थे, हैरी भी वहीं पर था, हमारा पीछा करते हुए वहां तक आ रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि यही हैरी है और मेरी जान लेने के लिए आया है। इस तरह अनजाने में हमारे पासेज एक्सचेंज हो गए। अमृता को क्यों मारा तुमने? नहीं सर, मैंने अमृता का खून नहीं किया, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए सर। यस सर, राजवीर ठीक कह रहा है, इसने अमृता का खून नहीं किया है सर। क्या? यस सर, किसी ने गला इतनी जोर से घोटा है कि हड्डियां तक टूट गई है सर। इस तरह से गला घोटने वाला कोई पहलवान होगा? कोई बॉडी बिल्डर हो सकता है, या फिर कोई बॉक्सर भी। एक आदमी है दया, चल। ये क्या, मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तेरे गुस्से के ऐसी की तैसी। चुपचाप चल। क्यों मारा अमृता को? मैं आपको बता चुका हूं कि मैं अमृता से प्यार करता था,
मैं क्यों मारूंगा उसे? ये फिल्मी डायलॉग पहलवान के मुंह से अच्छे नहीं लगते। चल। मैं रेसलर हूं, बता देता हूं, भारी पड़ेगा। तू रेसलर था अपने कॉलेज के दिनों में, अभी नहीं, समझा? तो फिर देख। नहीं, तेरा संभाल लेगा। मैंने ही अमृता को मारा है। अगर क्यों? तुम तो उसे प्यार करते थे ना? हाँ करता था, मगर उसने मुझे फंसाया था। उसने मुझे कहा कि तुम राजवीर को मार दो, हम लोग शादी कर लेंगे। मैं पागल राजवीर को मारने के लिए तैयार हो गया, पर फिर मैंने राजवीर को मारने के लिए हैरी को भेज दिया। ओ, तो इसलिए हैरी वहां पे गया था। जैसे ही अमृता को यह पता चला कि राजवीर मारा गया, उसने फौरन मेरा नाम ले लिया और मुझे फंसा दिया। मेरा खून खुल गया, मैं समझ गया कि ये औरत किसी को भी फंसा सकती है। मैंने अमृता का हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया। अमृता ने तुम्हें धोखा क्यों दिया? पता नहीं, कोई हमारी कंपनी का तीसरा आदमी उससे मिला हुआ है। तीसरा आदमी? वो कौन हो सकता है? मालूम नहीं, लेकिन वो कंपनी का सारा पैसा लेकर चला गया। सारा का सारा? जी हाँ, मेरे हिस्से का पैसा भी ले गया। कहीं वो राजवीर तो नहीं? और कौन होगा, वही है चोर। राजवीर के घर से ही पता चलेगा कि चक्कर क्या है। राजवीर को फंसाने की कोशिश की, वो गिरफ्तार हो गए तो मुझे फंसाने की कोशिश की, मुझसे पैसे मिल गए तो मुझे बांधकर चले गए।
राजवीर से उसके पैसों के लिए प्यार करती थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म? शर्म तो अमृता को आनी चाहिए जैसे त्रिलोक के साथ मिलकर अपने पति राजवीर को मरवाने की कोशिश की। शर्म तो रणधीर को आनी चाहिए जिसने मेरे बहकावे में आकर अपने ही भाई को धोखा दिया और उसके सारे पैसे लेकर भाग आया। ठीक है, इतनी लंबी लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है। अब तुम कहोगी कि हमें शर्म आनी चाहिए क्योंकि हमने तुम्हें गिरफ्तार किया। अब बाकी की लिस्ट जेल में बैठ के बताना, बहुत टाइम मिलेगा वहां। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.